मैंने खुद को रोक लिया है, तुम भी खुद को रोको ना। मिलकर हम सब जंग लड़ेंगे तो फिर क्या कर लेगा कोरोना। आज समर्थन यदि हजारीबाग को हम सबका मिल जाएगा, हमारा हजारीबाग कोरोना के संकट से बाहर हो जाएगा। 7 दिन ही नहीं, स्वयं की इच्छा शक्ति सौंपो तुम, कोरोना के सीने में अब मिलकर खंजर भोंको तुम। ये दुश्मन के हमले जैसी ही तो एक आपदा है, इसलिए तो आज हजारीबाग अब सबसे सहयोग मांगता है। अवसर आज फिर मिला है हम सबको अपना फर्ज निभाने का, खुद कैदी बनकर अपने हजारीबाग को कोरोना मुक्त कराने का। केवल सीमा सरहद पर लहू बहाकर ही तो फर्ज नहीं निभा सकते हैं, घर के अंदर रहकर भी तो हम सैनिक बन सकते हैं। मत सोचो ये कायरता है, इस तरह भी लड़ना पड़ता है। प्यार जंग में सब जायज है, हर दांव लगाना पड़ता है। फिर ये कोई एहसान नहीं जो हमें हजारीबाग पर करना है, खुद के जीवन की रक्षा के लिए ही हम सबको अपने घर पे ही रहना है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हजारीबाग में कोरोना वायरस से स्थिति काफ़ी बद से बदतर हो चुकी है, और इसी वजह से हजारीबाग प्रशासन को 7 दिनों का लॉकडाउन लगाना पड़ा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से बस इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी प्रशासन के नियमों का पालन कीजिए। प्रशासन के द्वारा जितने भी नियम और कानून बनाए गए हैं उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये हमारी और आपकी सेफ्टी के लिए बनाई गई है। क्योंकि हमारा हजारीबाग काफ़ी बुरे हालात से भी गुजर रहा है, और इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी घर पर रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और घर पर रहने से ही आप सभी की, आपके परिवार की, हमारे हजारीबाग की और पूरे हिंदुस्तान की भलाई है। हाँ तो दोस्तों, हजारीबाग को कोरोना से मुक्त करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने ये कविता बनाई। अगर ये कविता आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घर पर रहने का कोशिश करें, प्रशासन का सहयोग करें।